वेस न्यूज प्रवाह सत्याचा। सेवा ही धर्म, सेवा ही कर्म, मानव सेवा ही माधव सेवा, यह मूल मंत्र को आगे बढ़ाते हुए बुजुर्ग माता पिता और बच्चों की सहायता करने का काम ओडिशा के भक्तगण कर रहे हैं। यह परिवार के 100 सदस्य ओडिशा से शिरडी आए और उन्होंने सद्गुरु साईं बाबा का दर्शन करके साईं आश्रया परिवार में गौ माता का पूजन किया और आश्रम के बच्चों को खाना और भजन नृत्य का आयोजन किया। इस समय श्री साईं बाबा की जीवन पर बड़ी सुंदर झांकियां का प्रदर्शन सबके मन को भा गया। श्री साईं आश्रया में बड़े भक्तिमय माहौल में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस समय ओडिशा की रूपसी बप्पम्मा ने और उनके सहयोगी का श्री साईं आश्रया परिवार की ओर से सम्मान किया गया। इस सेवा कार्य में साईं आश्रया के संचालक गणेश जी देवी, राजेंद्र जी चिंधे और शिरडी पत्रकार संघ के राजकुमार जी जाधव, इन्होंने अपना योगदान दिया। साईं बाबा की कृपा से ये कार्य हो रहा है और दुनिया के सभी आश्रम के माता पिता और बच्चों को सुख प्रदान हो, यह इच्छा इस वक्त साईं भक्त रूपति बप्पा माँ ने जताई है। जय जगन्नाथ। ओम साईराम। मेरा नाम है रूपसी पंडा। हम ओडिशा के रहने वाले हैं और हमारा एक परिवार है, उसका नाम है माता पिता 07 एक परिवार है। वो परिवार का काम हर महीने, हम 90 पीपल है वो परिवार में, सदस्य 90 सदस्य हैं और हम लोग हर महीने कुछ ना कुछ कलेक्शन करके सब जगह पर, जैसे उड़ीसा के जो भी है, ऐसे कलकत्ता भी गए हैं, उड़ीसा में जिधर भी है सारे आश्रम को हर महीने हम जाते हैं। साल में पूरा 12 आश्रम को हम कवर करते हैं, हमारा जितना भी सख्य होता है हम जाते हैं। तो ये जो शिरडी महाराष्ट्र में एक आश्रम है, साई आश्रय बोलते एक आश्रम है, मैं पहले इधर हर वक्त जब बाबा के पास आती हूँ तो मैं इधर आश्रम में पहले आती हूँ, फिर मैं बाबा का दर्शन करती हूँ, क्योंकि इधर घर को शांति मिलता है और बाबा के रूप में मेरे को बच्चे का फेस में बाबा का रूप मेरे को मिलता है। और फिर जब जाने का टाइम होता है तो मैं बाबा को दर्शन करके जाती हूँ। तो ये आश्रम में जब मैं बार बार ऐसे आने लगी और मेरे को इतना अच्छा लगा, तो मैंने परिवार को, जिस परिवार में मैं बहन हूँ, जिस परिवार का माँ की माता पिता का परिवार है, 07 माता पिता 07 का परिवार है, उनको ये सारे बात बोले कि इधर एक आश्रम है और आप लोग आइए। आप तो उड़ीसा में हर जगह पर साल में 12 दिन ऐसे, मतलब हर महीने जाते हैं आप लोग, लेकिन इधर आइए शिरडी में। और इधर भी बहुत सुंदर बच्चे हैं, उनको भी बहुत कुछ हेल्प चाहिए। हमारा जितना है, हम तो माध्यम है भगवान के, हम तो भगवान नहीं है। तो इधर आइए, इनसे मिलिए। फिर इन्होंने हमारा बात माने, 2 महीने से टिकट किया और पूरा 100 आदमी और मेरे बात सुनकर आए हैं इधर आश्रम में। आश्रम आने के बाद इधर हमारा कुछ फंक्शन होता है, जैसे पहले हमारा क्या हुआ हम लोग का है, तो पहले हमारा बाबा का, साईं बाबा का पूजा हुआ। पूजा खत्म होने के बाद हमारा गौ माता का पूजा रहता है, पूजा गौ माता का हुआ। पितृमातृ का पूजन रहता है, वो भी हुआ, पितृमातृ का पूजन। पितृमातृ का पूजन होने के बाद में हम बच्चों को खाना खिलाए, फिर हम खुद भी खाना खाए और फिर हमारा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, जिसमें भजन और नृत्य सब रहता है। और ये सब छोटे बच्चों के मुंह पे थोड़ा सा खुशी देने के लिए हमारा प्रयास है, बस हमारा और कुछ भी नहीं है। और आप लोग भी साई आश्रय आश्रम आइए और बच्चों के साथ मिलिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। इधर परिवेश बहुत अच्छा है, इधर के जो हमारा संस्थान के, मतलब आश्रम के जो मेन है गणेश जी, वो भी इतने सारे बच्चों को संभालना और पितृ माता जो है उम्र वाले उनको रखना, बहुत दिव्यांग को रखना बहुत कठिन है, फिर भी उन्होंने इतना बहुत कुछ कर रहे हैं, उनको भी मेरा धन्यवाद। बाबा उनको भी खुश रखें और ऐसे और क्या कहेंगे, और हम ऐसे भी आश्रम आते जाएंगे और आप लोग भी आइए। ओम साई राम। ये सर, फर्स्ट ओम साई राम। ये साई बाबा के आश्रम के पास आने के लिए हम 2 साल नहीं 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ, तो ये बाबा का
बरात है कि हम ये अगस्त 5 तारीख को इधर आया और ये जो प्रोग्राम आश्रम वो प्रोग्राम आज से बापा माँ परिवार लगभग 10 साल कंप्लीट हो गया। और हर महीने जो मेरे को भी तो मालूम नहीं था कि बापा माँ परिवार धीरे 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 ना प्रभु की कृपा से इतना बड़ा। पहले दो आदमी हम एक प्लानिंग किया करके कि हम लोग आश्रम जाएंगे, आश्रम से वो बच्चे लोग, भगवान तो इधर ही है, भगवान बोलता है ना, भगवान इधर ही है। क्योंकि पहले आश्रम गया, धीरे 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 बापा माँ परिवार से एक 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 करके अभी 500 लगभग 500 मेंबर लोगों, हमको क्या पता है 500 मेंबर, क्योंकि फैमिली में 100 और 150 है और उसका फैमिली मेंबर सब लगभग 500 से ज़्यादा हो। अभी तो 4 साल कंप्लीट हुआ। हम लोग पहले उड़ीसा में हर महीना सब आश्रम पे, वो सब प्रभु की कृपा से हो रहा है, हम लोग कुछ नहीं, हम लोग तो ओनली माध्यम है, वो जैसा रास्ता बताते हैं उसी रास्ता में हम लोग चलते हैं। और ये माँ बाप पापा माँ परिवार में भी बहुत बुजुर्ग जो बूढ़ा माँ बाप है वो भी सब है, हमारा जैसे माता पिता सब है। और स्टेट लेवल और स्टेट बाहर आउट ऑफ स्टेट में भी जैसे चेन्नई बेंगलोर वो सब सिटी में भी हमारा बापा माँ परिवार का मेम्बर है। और हर महीना किसी से उधार नहीं, किसी को हेल्प नहीं मांगता, जो भाई बहन सब है वो 100-200 कलेक्ट करके हर महीना आश्रम जाता है, वो प्रभु की कृपा से आश्रम जाता है। तो जो प्रभु का कृपा है वही आश्रम से खाना पीना, हम लोग क्या देंगे, हम लोग तो हमारे हाथ में दम नहीं है खाने, हम क्या देंगे, सब ऊपर वाला का खेल है। तो इधर आने के लिए हम 3 साल से कोशिश कर रहे हैं, ये जो बहन है मैंने भगवान रूप है, एक देवी का रूप है, माँ का रूप है, क्योंकि इतना सही टाइम में बताया कि बाबू तुम लोग आ जाओ, हम और जो सत्य भाई है वो हम दोनों आपको यहाँ से कुछ प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। तो जब बोला ना तब हम डेट फिक्स कर दिया, क्योंकि हम लोग को जरूरत है इधर आने का। तो अब आश्रम के बारे में मैं तो स्पेशली थैंक यू फॉर उपुल विक्टर, देखिए हम लोग को इतना अच्छा से वो इधर ला के इतना केयर किया। तो उड़ीसा से आ रहे हैं, हमको इधर आता पता कुछ मालूम नहीं, और ये पुपुल भोनी और सत्य भाई जो हमको बहुत क्या बोलो इसके बारे में तो कुछ नहीं, बट हम लोग का एम है, हम लोग का कुछ एम है, ये बापा माँ परिवार को स्टेट लेवल, स्टेट पे आउट ऑफ स्टेट आया, इंडियन लेवल में आया, उसके बाद आउट ऑफ कंट्री लेना है। तो हम लोग तो कोशिश करेंगे, ईच एंड एवरी मोमेंट वी ट्राई टू डू बेटर फॉर आवर बापा माँ परिवार, बट सबके वो गॉड ब्लेसिंग का ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या अगर वो चाहता है तो ये बापा माँ परिवार वर्ल्ड क्या पूरा सारा पृथ्वी में भी फैल जाता है इसके बारे में, पर सब उसका ऊपर है। पर आज आके हम लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, ये पुपुल बहन और जो सत्य भाई है ना, वो कल हमारा भाई बहन नहीं, ये जैसा माँ बाप जैसा जो बहन और जो सिस्टर के पास ममता है वो तो कभी भी माँ बन सकता है, कभी भी बहन बन सकता है, लेकिन इतना अच्छा है तो हम बातों में बोल नहीं सकता है, पर दिल कहता है उनका जो प्यार है, जो इतना सब आया है, सब लोग खुश हैं, क्योंकि सबको जो प्यार देता है, सबको जो अफेक्शन देता है वही सबसे अच्छा, पैसा का कुछ नहीं, हमको 5,000-10,000 देने से भरोसा दिया कि बाबू हम है अपा, इसलिए हम इधर आया। पर आने के साथ साथ बाबा को भी दर्शन करेंगे, उन लोगों को बहुत बुजुर्ग आदमी भी आया, वो भी इनके कृपा से, मतलब बाबा का कृपा माध्यम ही तो यही दोनों है, वो हमको इतना अच्छा स्थान दिया तो दिल खुश हो गया। और हम ये भी कोशिश करता हूँ कि बापा माँ परिवार को जल्दी से जल्दी थोड़ा आगे लेके जाएंगे, ये सब ऊपर वाला और हमारा जो माँ बाप पापा माँ परिवार का जो भाई बहन है उनके ऊपर। यहाँ पर आए हुए सही लोग है, पिता माता परिवार 07 जो यहाँ पर आकर इन्होंने जो ये
संतोष त्रिपाठी जो उनके सब आदरणीय है, तो उन्होंने यहाँ पर जो आज प्रोग्राम यहाँ पे रखा है, 3 घंटे का प्रोग्राम यहाँ पे साई बाबा का भजन और साई नामस्मरण का प्रोग्राम यहाँ पर किया। और आप देख रहे हैं साई आश्रय परिवार में आज सब साई बाबा का वातावरण यहाँ पर हुआ है। जो बाबा ने हमें सिखाया है वही सब साई बाबा के आशीर्वाद से उड़ीसा के साई भक्तों और साई आश्रय परिवार और हमारे पत्रकार बंधु श्रेणी ग्रामवासी ये सब मिलके ये साई बाबा का काम आगे लेकर जा रहे हैं। हम साई आश्रय परिवार की ओर से सभी साई भक्तों को यहाँ पे साई चरणों में प्रार्थना करते हैं कि ये सभी साई भक्तों को अच्छी आयु अच्छा आरोग्य प्रदान करें, क्योंकि ऐसे ही सेवा उनके हाथों हजारों साल चलती रहे। ओम साई महाराज की जय। नमस्ते ओम साई। यहाँ पर आज साई आश्रय अनाथालय में जो ओडिशा के जो साई भक्त आए उनका जो आज इधर माता पिता जो उसका प्रोग्राम था, एक्चुअली साई बाबा के दरबार में बहुत सारे करोड़ों भक्त आते हैं, लेकिन जो दाग चढ़ावा बाबा के चरणों में उधर दिया जाता है उससे आज का जो एक काम था उनका ये तो उसका कुछ मोल नहीं है। उन्होंने जो कुछ काम किया है इसके बाद इसके उसके लिए हमारा प्रेस मीडिया शिविर की तरफ से मैं दीदी का और भैया का बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। बहुत सारी